आप समझो, हम ये जो 8 घंटा दिया धन कमाया बाबा का, ट्रस्टी बाबा है, अब उसको भाग करो। कितना भाग करो? पहला हिस्सा एक बाबा, दूसरा हिस्सा बाबा की सेवा, तीसरा हिस्सा सेंटर, चौथा हिस्सा लौकिक जिन्होंने पढ़ाया लिखाया उन्हों का भी, पांचवा हिस्सा बैंक में भी कुछ रखो, छठा हिस्सा अपने खाने पीने भी रखो। इसका मतलब ये मैं नहीं कहती हूँ 6 हिस्सा करो, क्यों, घर प्रवृत्ति घर गृहस्थी है। समझो आज आप 600 कमाते हो, मैं एक मिसाल देती हूँ, समझो आज 500-600 कमाते हो, 500-600 के लिए आप अगर घर में रहते तो, चाहे अकेले रहते हैं तो, कम से कम उन 500 से आप 300 तो समझो जरूर शरीर निर्वाह लिए, माँ बाप घर में देना चाहिए, कम से कम 500 कमाते तो उसे 300 रुपया तो घर माँ बाप अपने लिए रखो, बाकी रहा 200। उस 200 मैं एक परसेंटेज बताती, उस 200 को आप लोग 5 हिस्सों में बांटो, भले 20 रुपया सेंटर को दिया, 20 रुपया मैं एक मिसाल 20-25 सेंटर को दिया, 20-25 आप बैंक में रखो, 20-25 कोई सेवा होती रोज की बाबा की सेवा होती उसमें लगाओ, 20-25 बाबा महान यज्ञ है उसके लिए रखो, 20-25 ऐसे कोई भी भक्त के कार्य के लिए रखो। तो आप लोग को कभी भी ये नहीं होना होगा कि अब मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, मैं ये क्या करूं, कभी तन है कभी शरीर है कभी दवा है कभी दरमल है, ये भी तो कहीं होते। इसके लिए कहा कि मैं एक मिसाल बताया कि आप अपने अपने कमाई के अनुकूल हिस्सा करो, लेकिन 6 हिस्सा रखो। मुझे पता है कहीं कुछ बैंक में नहीं रखते, नहीं, दादी की राय होती हमेशा अपनी कमाई से थोड़ा बहुत भी बैंक में रखो, वो आपकी अमानत नहीं है, लेकिन उस बैंक का मालिक भी बाबा है। ऐसा आप लोग उसी बैंक में भी रखो, ये बाबा की अमानत है, समय पर बाबा की सेवा के लिए, तेरी नहीं है पर बाबा की अमानत समझ के बैंक में रखो, पर रखो जरूर। दूसरा, सबको अपने कमाई के अनुकूल भले लौकिक माँ बाप को भी दियो, ये आप लोग का फर्ज है। भले लौकिक माँ बाप कहता मुझे दरकार नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं दरकार है, आप आते हो जाते हो कोई चीज लेके दिया ये किया, क्यों, उन्होंने आप लोग को पढ़ाया लिखाया पाला संभाला, उनका लोन है और लोन को चुकाना आप लोग का फर्ज। तो माँ बाप को भी प्यार रहेगा, नहीं कैश लेवे, प्यार से उनको कोई चीज लेके दियो तो भी खुश हो, उसी खाते हो उसी लिए प्यार से खाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं आसक्ति से खाओ, खाओ पियो अरे कमाते हैं खाओ पियो मौज करो, ये न करेंगे तो क्या करेंगे, ये गलत बात नहीं, जो दाल भात है प्रेम से खाओ, हठ योग से भी नहीं खाओ, अपने को हठ योगे भी नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं ना ऊंचा जाओ ना नीचा जाओ, ना हठ योगी बनो ना लूज योगी बनो, लेकिन साधारण, न हम अति गरीब है न हम अति शाहूकार है, साधारण बाबा, साधारण हम बच्चे, साधारण खाना साधारण पीना साधारण रहना साधारण व्यवहार करना।